दोस्तों नमस्कार। आधार कार्ड की तरफ से एक नई अपडेट आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आपका एड्रेस चेंज करवाना है आधार कार्ड में, कोई एक पुख्ता दस्तावेज चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि उसके ज़रिए आप आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको पुख्ता दस्तावेज नहीं देते हैं तो आप आधार कार्ड में एड्रेस चेंज नहीं करवा सकते हैं। तो आधार की तरफ से जारी किया गया ये नोटिफिकेशन आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से बिना डॉक्यूमेंट का, वो भी घर बैठे ऑनलाइन आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम UIDAI के वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो कि आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माई आधार वन पोर्टल फॉर ऑल ऑनलाइन सर्विस। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में वेलकम टू माय आधार का पेज खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी ये इस सर्विस का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे, और लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपका आधार नंबर, इसके बाद जो कैप्चा है यहाँ पर इंटर करेंगे कैप्चे वाले बॉक्स में, उसके बाद सेंड OTP कर देंगे। आधार कार्ड में जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, जो आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होगा, उस पर OTP आएगा। OTP यहाँ पे इंटर करके आप बहुत ही आसानी तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज को ऊपर करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आधार कार्ड डाउनलोड, ऑफलाइन eKYC। पेमेंट हिस्ट्री के नीचे में एक ऑप्शन जुड़ा गया है माई हेड ऑफ फैमिली। तो यहाँ पे आप अपने जो आपका हेड ऑफ फैमिली है, जो आपके घर में सबसे बड़े हैं और उनका आधार कार्ड में एड्रेस सही सही है, और उसके ज़रिए आप जो है अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। फैमिली हो जो आपसे बड़े हो और उसके आधार कार्ड में एड्रेस पूरी तरीके से, जहाँ पे आप रहना चाहते हैं उसका एड्रेस हो, तो उसके ज़रिए आप जो है इस ऑप्शन की मदद से अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस ऑप्शन का अभी आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अभी ये ऑप्शन लाइव नहीं किया गया है। आधार कार्ड से ये अपडेट जारी किया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं।